Good morning all, and welcome back again to DN Plateau series in Java Island of Indonesia. और अभी हम उंगारान शहर से बाहर निकल चुके हैं और ये कंट्री साइड है उंगारान का. आप देख सकते हो कि ये एक कोई रेलवे ट्रैक है जो कि उंगारान को प्रोबेबली जकार्ता से जोड़ता है. और ये शहर शहर नहीं, ये रूरल एरिया है. यहाँ पे आपको कॉर्न्स के मतलब मक्का पैडी फील्ड्स, आपको राइस धान की खेती मिलेगी यहाँ पे. और दूसरा केले भी यहाँ पे काफी उगाए जाते हैं. आगे से ये थोड़ा नेक्स्ट उसमें आप जब देखोगे तो आपको केले के खेत भी दिखाई देंगे. केले यहाँ पे अपने साउथ इंडिया में जैसा होता है कि छोटे और बड़े दोनों मिलते हैं, वैसा नहीं है. जनरली यहाँ पे बड़े वाले केले ही ग्रो होते हैं. मैंने मार्केट में भी जो देखा वो यही है. और कुछ कुछ पोल्ट्री फॉर्म्स हैं और यहाँ पे मुर्गियां वगैरह भी रखते हैं. और एक अजीब सिचुएशन ये भी मैंने देखी यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही साथ धान उगाते हैं और एक ही साथ मतलब लगाते हैं और एक ही साथ उनकी कटाई होती हो या हार्वेस्टिंग होती हो. धान यहाँ पे एक ही टाइम पे आप देखोगे कहीं पे किसी खेत में कोई लगा रहा है उनके पौधों को और किसी खेत में आप देखोगे कि कटाई चल रही है. सो ये हो सकता है कि प्रोबेबली थ्रूआउट द ईयर यहाँ एक जैसा मौसम होता है, इस वजह से कहीं पे कोई लगा रहा होता है. और ये आपको दिख रहा है ये केले का खेत है और कहीं कहीं पे आपको नारियल के भी खेत दिखेंगे. जैसे ये अभी आपको दिखे दो तीन रोज तो लोग नारियल ट्री भी ग्रो करते हैं और कहीं कहीं कैबेज, मिर्च, पोटैटो, टोमेटोस, ये सब भी टमाटर वगैरह का भी खेती होता है. और अगर आप बोलेंगे कंट्री साइड एक नेक्स्ट लेवल का है इंडोनेशिया में. सब कुछ बिल्कुल एक ग्रीनिश है, हरा भरा है, गांव के लोग हैं. ऑल्दो कल्चरली थोड़ा डिफरेंट है बट आपको एकदम से फॉरेन कल्चर जैसा फील नहीं होगा. यहाँ पे कैबेज वगैरह के लोग फील्ड देख सकते हो और लोग खेतों में काम करते रहते हैं अपने. और कुछ कुछ वैसा ही है जैसा हम लोग इंडिया में करते हैं. और लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा एक में यहाँ पे बैलगाड़ियां भी चलती है, ब्लॉक कार्ट्स जो है, जो कि हमारे इंडिया में भी चलती है. और ये उंगारान शहर का हिस्सा है. इसको शहर नहीं, कंट्री साइड बोल सकते हैं प्रोविंस का. और इसको क्रॉस करके हम वनसोब की तरफ जा रहे हैं जिसमें डेंग प्लेटो पड़ता है और काफी खूबसूरत है. वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच अगेन.